नमस्कार, मैं निकी मौर्या। मैं स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल अनोखा रॉक स्टार में। आपको मेरे चैनल पर हर छोटी से छोटी खबरों की जानकारी दी जाएगी, तो बनी रहिए आप मेरे चैनल के साथ। सारण चंपारण रेल मार्ग को लेकर रेल लाइन संघर्ष समिति ने उठाई आवाज। सारण चंपारण को सबसे निकट रेल मार्ग से जोड़ने के लिए गोपालगंज मोतिहारी रेल लाइन संघर्ष समिति ने एक बार पुनः आवाज उठाई है। समिति के अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने बताया कि सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, DRM वाराणसी, DM गोपालगंज व पूर्वी चंपारण को भेजा गया है, जिसमें गोपालगंज जिला मुख्यालय को पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी से रेल मार्ग से जोड़ने का अनुरोध किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि गोपालगंज मोतिहारी सड़क मार्ग में आपस में जुड़े हैं, लेकिन रेल मार्ग से मोतिहारी जाने के लिए 190 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। गोपालगंज, यादवपुर, राजवाही, मलाही, अरेराज से मोतिहारी तक नए रेल मार्ग का निर्माण होने से दोनों जिला मुख्यालय की दूरी 7 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे सारण और चंपारण को रेल मार्ग से सबसे निकट जुड़ाव हो जाएगा। साथ ही राज्य के दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अरेराज और थावे जैसे निकट रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का रक्सौल से सबसे निकट रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा और एक नया रेल मार्ग मिलेगा, जिससे इस पूरे इलाके का विकास होगा। मेरे और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनोखा रॉक स्टार। जय हिंद।